विधायक कहना चाहेंगे क्या? खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन, पुलिस में फर्जी मुकदमे फंसा रहे हमारी हत्या करा दी, मतलब देश की सरकार को कमजोर कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके खिलाफ साजिश हो रही है मोदी जी कहीं से भी मुख्यमंत्री चाहेंगे कभी भी हमारी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करा सकते, उसके लिए दोषी क्यों उत्तर प्रदेश सरकार होंगे, वो जो माफिया है विधायक। विधायक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपने आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है, मैं विधायक हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को कमजोर कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके खिलाफ साजिश हो रही है आदरणीय मोदी जी का मिसाल के खिलाफ, चार बार से विधायक हूँ और राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, सांसद उस सांसद में, लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे मदद लिया, सब चीज ली, सांसद बनवाया और बाद में वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति की माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दलाब आ चुका है आपकी सुपुर्दगी होगी, आपको क्या लग रहा है आगे? आगे ऊपर कभी भी हत्या करा सकते हैं अपराधी के द्वारा, अपने द्वारा दो सिपाही भी मरवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जितने बड़े गैंग है, चाहे वो विनीत सिंह का हो, चाहे जिसमें सिपाहियों की हत्या हुई है जेल में अंदर होती हुई, चाहे सुशील सिंह की हुई, चाहे वो क्या नाम है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है, चाहे वो है, सारे लोग एक वर्ग के हमारी हत्या के लिए लगे हुए हैं। तो भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय से आपकी मित्रता रही है क्या? आपसे उनकी मुलाकात हुई है? कैलाश विजयवर्गीय से मित्रता है, रही होगी, बात हुई, लेकिन उनसे मुलाकात हमारी नहीं, हम सीधे महाकाल दर्शन करने आए थे और सीधे दर्शन करके जा रहे थे, अपने अटॉर्नी जनरल जो हमारे साथी हैं मिस्टर मुकुल रोहतगी जी, उनके पास सीधे दिल्ली जा रहे थे इस मुकदमे को लेकर, और दो दिन पहले 12 को हमने ऑडियो भी जारी किया है, वीडियो भी जारी किया है कि पुलिस हमें फर्जी मुकदमे फंसा रहे, हमारी हत्या करा दी। मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर कितना विश्वास है? मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छी है, जितना सम्मान सम्मान किया यहाँ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पुलिस अधिकारियों को आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आप और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? खतरा बराबर बना है, हम मर भी जाएंगे तब भी जो है वहाँ दिक्कत नहीं होगी, लोग अब जाग चुके हैं यूपी के, यूपी से खदेड़ देंगे। किसी भी ब्राह्मण बूथ पर वो नहीं जीत पाए, बीजेपी का प्रत्याशी रमेश बिंदी जीते, इसके लिए वहाँ की जनता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो मारना चाहती मानती है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, चार चार यज्ञ करते हैं, गाय खिलाते हैं, अब ये कुछ लोगों को जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो प्रभावशाली हैं, और किस ढंग का वहाँ अपराध चल रहा है, ब्राह्मणों को एकदम सफाया करना चाहती है सरकार और केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को कमजोर करना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, कि भाजपा की सरकार देश में कमजोर है। रास्ते में कोई सुरक्षा चाहती नहीं है? रास्ते में यहाँ सुरक्षा, यहाँ की पुलिस जाए ले जाए, वहाँ रास्ते में भी सुरक्षा, जेल में भी वहाँ सुरक्षा, हवा से, पानी से, बिजली से, करंट से, एक्सीडेंट से, अपराधी से, कहीं से भी जो मुख्यमंत्री चाहेंगे कभी भी हमारी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करा सकते, उसके लिए दोषी केवल उत्तर प्रदेश सरकार होंगे, वो जो माफिया है, विधायक है, सांसद है, वही अभियुक्त होंगे। आप मानते हैं कि आपकी हत्या हुई? चलिए हत्या चलिए हो सकती है, कभी वो नहीं गई है, तो हमने 12 तारीख को ऑडियो वीडियो जारी करके पहले ही कह दिया। चलो कहेंगे सरकार भाजपा को नहीं बल्कि योगी को हटा दें। आपको कौन लगता है प्रमुख कौन है जिसने पूरा आपके खिलाफ, आपको कौन लगता है सर कि आप, आपको प्रमुख खतरा किससे है? खराब करवा रहे हो अपराधी अरे मैं